चलिए देखिए, रेन प्रॉब्लम में बता दिया ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। अब ये कैसे निकालेंगे, वी आर तो वी आर है ही, ठीक है ना, और वी एम माइनस वी एम, मैंने बोला था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्या होता है, वेक्टर एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का एडिशन, उसके निगेटिव का एडिशन, यही तो होता है। तो अगर ये हमारा वी आर है, अगर हमारा ये वी आर है, वी आर वेक्टर है, इसमें हम माइनस वी एम, वी एम क्या है आगे की डायरेक्शन में, और ये क्या है ये नहीं पीछे की डायरेक्शन में, ये माइनस वी एम हो गया इस साइड में, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वी आर एम बराबर वी आर माइनस वी एम, ये तो हमने कर ही लिया है। और अगर यहां पे थीटा हम निकालते हैं तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, समझ में आ गया सबको, वही रख दीजिए बस सर, थैंक यू, ठीक है बेटा समझ में आ गया। चलिए तो हमने क्वेश्चन दिया था, कितना आंसर आया, 60 डिग्री आ गया, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, तो वी आर कितना दिया है हमें, वी आर दिया है 12 मीटर पर सेकंड, माइनस नहीं, अभी वी आर मानो, ठीक है, नीचे है बेटा लेकिन अभी रिस्पेक्टिव लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी ऑफ रेन निकले, जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, वेलोसिटी मैन किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल तो मूव कर रहा है, क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा का मतलब क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है मतलब ये देखो डायरेक्शन तो सबको पता है क्या होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, और आपको क्या निकालना है वी आर माइनस वी एम, यही तो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना, तो वी आर माइनस वी एम, तो क्या ये वी एम है, ये वी एम है, अब इसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर हमको लेना है, ये क्या होगा वी आर माइनस प्लस माइनस ऑफ वी एम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर, इसमें क्या ऐड कर दें वी एम, माइनस वी एम को ऐड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वेक्टर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर, वी एम कितना है बताओ, कितना दिया, 12√3, तो हो गया 12√3 अपॉन 12 बराबर क्या आ गया रूट थ्री, यानी थीटा बराबर व्हाट 60 डिग्री, कहां से, कहां से, वर्टिकल से कि ओरिएंटल से, थीटा कहां से बेटा, वर्टिकल से, थीटा क्या है वर्टिकल से, तो हमारा फाइनली आंसर ये हुआ, आंसर हमारा ये हुआ, देखो इससे हमारा कितना एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड तो हमें निकाला ही नहीं अभी, ठीक है हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड 24 आ रहा, तो 24 ये आ गया, और ये 60 डिग्री, तो ये कितना 30 डिग्री। अब इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लिखिए जरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर लिखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, क्या इसको लिख सकते हैं, एक बार लिखिए सब लोग, कितना होगा, रिजल्टेंट होगा वो होगा 24 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा,
नहीं मीटर पर सेकंड होगा, क्या है ये, हाँ मीटर पर सेकंड होगा, वेलोसिटी है ठीक है एट द रेट, अब बताओ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, ईस्ट ऑफ साउथ, यह हम लिख सकते हैं 24 मीटर पर सेकंड व्हाट एट द रेट 30 डिग्री क्या साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ की तरफ चले और चले कहां से, ईस्ट से चले, तो ईस्ट से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, साउथ की तरफ चले और कहां से चले ईस्ट से चले, तो हम इसको बोलेंगे साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये फाइनल वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग रिच, रिच नहीं वेट, टू अवॉइड गेटिंग वेट, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी हुई है ठीक है, कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, और रेन कैसे फॉल कर रही है 10 नहीं दिया, ये कितना दिया है 6 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ठीक है ना, और ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन बना लो, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन बना लो, और ये क्या करो एंगल बना लो, एंगल बना तो ये हो गया थीटा, और ये थीटा होगा तो इस वाले वेक्टर को ये क्या हो जाओ वी आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इसका है वी एम, तो अगर हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे तो यहां से टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर, वी एम कितना दिया हुआ है 6 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 हो जाएगा, अच्छा 3/5 देख के कुछ समझ में आ रहा है, tan थीटा बराबर क्या इसका एंगल निकाल सकते हैं बोलो कितना नीरज, कितना एंगल होगा, अच्छा लमसम में बताओ कितना एंगल होगा 3/5 मतलब क्या 3/5 मतलब हाँ 37 से ज्यादा है, 3/5 मतलब 0.6 लगभग हुआ ना, tan थीटा बराबर कितना है tan थीटा बराबर 0.6 एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जितनी स्टडी हम लोग ने कर रखी है उससे तो हम नहीं बता सकते ठीक है ना, लेकिन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी लगभग
अगर हम ये देखें, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये थीटा, तो टेन थीटा बराबर थ्री बाई फोर, और थ्री बाई फोर कितना होगा, थ्री बाई फोर होगा 0.75, 0.10, इसको फाइव मान लो अगर, बराबर थ्री अपॉन फोर, ये होगा 0.75। अच्छा टेन कैसे वैरी करता है, देखो टेन जीरो बराबर कितना, जीरो, टेन थर्टी बराबर कितना, वन अपॉन रूट थ्री, इसकी वैल्यू निकालो बच्चों, टेन फोर्टी फाइव कितना होगा वन, और टेन सिक्सटी कितना होगा रूट थ्री, ये होगा 1.73, इसकी वैल्यू निकालो वन अपॉन रूट थ्री की, वन डिवाइड बाई 1.73, वन डिवाइड बाई 1.73, दिस इज 0.57, 0.57, ठीक है ना। अब देखो टेन थर्टी की वैल्यू क्या दी है 0.57, और देखो कोई वैल्यू है 0.6, और 37 पे वैल्यू क्या है 0.75, और 45 पे वैल्यू क्या है 1। तो लमसम में देखो आइडिया लगाओ कितना हो गया बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है ना वैल्यू, तो 37 से क्या होगी 0.6 है ना, तो 30 और 37 के बीच में होगी, 30 37 के बीच में होगी, मतलब थीटा लगभग क्या होगा, थीटा मान सकते हो तुम, थीटा इज बिटवीन 32 37, 32 डिग्री 33 डिग्री कुछ लमसम ऐसा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हल्का सा अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लगाने की, लेकिन अगर मान लो फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, या कहीं पे एनालिसिस का कोई सवाल आ गया, एनालिसिस का मतलब कि इससे रिलेटेड ग्राफ पूछ लिया गया, फिगर वगैरह पूछ लिया गया, तो वहां पे थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेशन आता होगा, तो आप कर ले जाओगे सवाल को, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझाने की जरूरत तो नहीं है बहुत ज्यादा, सबको समझ में आ रहा है, बोलो तो छाता मंगाए वो दिखा दें एक बार, दिखा दें, क्या दिखा दें बेटा, पता तो है ही तुम लोग को, ये छाता सबको पता ही है ना, चलो दिखा देते हैं एक बार, सबने यूज किया है, सबने यूज किया है, अच्छा ये देखो छाता है, कोई आ जाओ वॉलंटियर आ जाओ, देखो अगर ये वर्टिकल फॉल हो रहा है, थोड़ा आप देखो इसको, छोड़ो इसको मजाक में मतलब बेटा, एक थोड़ा प्रैक्टिकली समझने से ना ज्यादा आइडिया लगता है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई इसमें टफ नहीं है, मैं पढ़ा के छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझा दूं। रेन क्या कर रही है, फॉलिंग वर्टिकली, यू आर मूविंग, बात यही है ना, रेन ऐसे फॉल कर रही है और आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए आप वर्टिकल से इसको टिल्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, जब अगर बारिश हो रही है तो क्या बारिश, मतलब कभी कभी तो तिरछी भी बारिश होती है, वो तिरछी क्या हो रही होती है, वो सीधे ही एयर के इफेक्ट के कारण वो क्या लगता है, और जब हमको, हम तेजी से रन कर रहे होते हैं, जैसे कभी आप बाइक चलाइए, आप बाइक चलाइए तो आप महसूस करेंगे सारी क्या हो रही है, ऐसे तिरछी बारिश, क्या तिरछी बारिश हो रही है, नहीं तिरछी बारिश होती नहीं है, बट आपको लगती है कि वो तिरछी हो रही है, क्योंकि आपकी क्या हो जाती है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपकी अगर वेलोसिटी गई, आपकी वेलोसिटी ये क्या हुआ, ये आपकी वेलोसिटी जैसे ही बढ़ी तो आपको ये जो है ये कैसे आने लगेगी, एक एंगल पे आने लगी, एक्चुअली वो डाउन में ही हो रही है रेन, बट आप जब बाइक चला रहे हैं या तेजी से चल रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी तरफ तिरछा आ रही है, क्या वो तिरछा आ रही है, नहीं, एक्चुअल केस में आ नहीं रही होती है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है। तो वहां पे अगर छाता लेके आप चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, छाते को देखो, ये वर्टिकल हो गया बेटा, ये वर्टिकल हो गया, यहां से क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, वर्टिकल से टिल्ट कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल से टिल्ट कर रहे हैं, वर्टिकल से टिल्ट कर रहे हैं, ये टिल्ट हुआ आपका, समझ में आया, तो ये जो है यहां से, ये एंगल दिख रहा है सबको, ये जो हुआ यहां से आपने टिल्ट किया, तो क्या किया, वर्टिकल से अपना टिल्ट किया, तो यही क्वेश्चन आएगा कि आपकी जो रेन की वेलोसिटी है या व्हाटएवर, तो उसमें अगर आप मूव कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो किस एंगल पे आपने अपना छाता टिल्ट किया, बात समझ में आ रही है, क्या थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन जो था वो क्लियर हो गया, हल्का फुल्का रहा होगा, किसी को लगता होगा तिरछी बारिश हो रही है, क्या तिरछी बारिश हो रही है, नहीं वो आपको लग रहा है, आप गाड़ी स्टॉप कर दीजिए, बाइक स्टॉप कर दीजिए, फिर आपके छत पे, सर पे गिरने लगेगी बारिश, ऐसा होता है ना, नहीं तो बारिश होगी तो फिर महसूस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, सिंगल फॉर्मूला, वी ए बी बराबर
वी ए माइनस वी बी, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है बेटा इसमें, बस कर लो एक दो सवाल, लिखो क्वेश्चन लिखिए। अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Find the speed and direction of rain. Find the speed and direction of rain with respect to ground. With respect to ground. बताइए क्या दिया हुआ है इसमें, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, निकालिए कितना, 15 मीटर, गलत, कैसे निकालेंगे देखो, आपको लग रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये क्या है, दिस इज फॉलिंग वर्टिकली, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अब वी आर एम क्या होता है बताइए, वी आर माइनस वी एम, तो यहां से हम निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी आर, वी आर इक्वल टू वी एम प्लस वी आर एम, यही तो निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी आर एम, वी एम कितना है, जैसे इस डायरेक्शन में ना, जिसको आई के डायरेक्शन में मान लो तो 5 पाई कैप प्लस वी आर एम कितना, ये कितना हो जाएगा, 10j कैप माइनस 10j कैप माइनस 10j कैप कितना हो जाएगा, 5i कैप माइनस 10j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट 125 कितना हो गया, 5 रूट 5, इसी का अंडर रूट गलत कर दिया होगा तुमने, गलत किया था, कुछ गलत निकाला ही था, क्या गलत की थी, अच्छा बताओ, एंगल निकालिए, कितना, 1/√5, 1/√5 कैसे आएगा बेटा, कितना आएगी,
कितना आएगा बताओ। अरे यहां से ही निकाल दो टैन थीटा, क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर कितना माइनस टेन, या इसको बना लो पहले, वी आर वी एम क्या है बेटा, वी एम हो गया आपका ये दिशा हो गई, ठीक है ना, वी आर एम क्या हो गया, वी आर एम आपका ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा, ये वी आर एम एंड दिस इज वी एम, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी आर ना। तो अब डिपेंड करता है कि हमको किससे निकालना है, तो मान लो ये वाला थीटा का निकालेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर एम, वी एम कितना दिया है फाइव, वी आर एम टेन बराबर वन अपॉन टू, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स वन अपॉन टू, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो, इससे निकाल लो, एंगल से निकाल लो, कैसे भी करके निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ टावर, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ टावर विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर स्टोन इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, अनदर स्टोन इज थ्रोन साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन, फ्रॉम द सेम लोकेशन विथ 50 मीटर पर सेकेंड, विथ 50 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। पहली भी 50 है, दूसरी वाली भी 50 है, एक को ऊपर फेंका जा रहा है, एक को नीचे फेंका जा रहा है, सेम लोकेशन से। When the first stone is at the highest point, find relative velocity of the second stone with respect to first stone। देखो बेटा, इसमें लिखा है stone is thrown upward from a tower with a velocity 50 meter per second, another stone is simultaneously thrown downwards from the same location with a velocity of 50 meter per second. When the first stone is at the highest point, find the relative velocity of second stone with respect to first stone. ठीक है, ऑप्शन है इसके A 0, B 50, C 100, D 150 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें क्या है कि एक टावर है, और टावर से क्या किया जा रहा है, एक बॉल को या किसी स्टोन को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, इसको थ्रो किया जा रहा है, तो जब ये भाई हाईएस्ट पॉइंट पे होगा फिर ये नीचे आएगा, बात समझ में आई, ये स्टोन को यहां से थ्रो किया उसी समय, साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, उसी समय पे क्या कर रहे हैं, उसी समय पे एक दूसरा स्टोन हम फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, उसी समय पे एक दूसरा स्टोन फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, तो वो नीचे आएगा। अच्छा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 मान लो इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी v2 मान लो, या u1 मानो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2, इसकी कितनी है
50 मीटर पर सेकेंड। तो जब पहला स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उस समय पे वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितना 100। किसने निकाला? हाँ 100 आ रहा है। निकालो और लोग निकालो कितना थीटा 45। थीटा कहाँ है यहाँ पे? थीटा कहाँ निकालेंगे? थीटा भी निकाली कहाँ है? निकालो निकालो निकाल के दिखाओ मुझे कि 45 आ रहा है। 45 आ रहा है, निकालो सब लोग निकालिए। कैसे करेंगे? बताइए बताओ भाई। नूर बताओ बेटा, अभी आज पहला दिन है। चाइनीज पढ़ लो। अच्छा शाम की क्लास में रुकना, शाम को भी होगी, अभी से परेशान हो रहा है। शाम को फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, और बच्चे भी आते हैं 3:30 बजे वाले में, तो उसमें रिवीजन चल रहा है, उसमें पढ़ाना पढ़ना। बताओ बेटा क्या होगा? 100 निकाल लिया, 0 आ गया। साक्षी क्या आ गया? 0 आ गया, 100 है अभी भी। चलो ये बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं ना, कोशिश करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, या किसी पॉइंट पे V2 क्या हो जाएगा? -50 -GT -V1 100। करिए सब लोग करिए। देखो बेटा दो तरीके हैं, सुन लो इसको ढंग से समझ लीजिए। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा पहला वाला, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और अगर वेलोसिटी जीरो हुई हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं ये वी वन क्या होगा? जीरो। यू यू प्लस ए वन इंटू टी। ए वन कितना लग रहा है?
माइनस जी, ये वेलोसिटी तो ऊपर की दिशा में, तो क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कितना लग रहा है माइनस जी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा, जी टी बराबर 50, जी टी बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि अगर हम निकालें वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो वी टू माइनस वी वन, वी वन कितना है, वी वन हमारा जीरो है, तो इसको बोलेंगे वी टू माइनस जीरो, और वी टू कितना है, वी टू अभी नहीं निकाला, देखो वी टू बराबर क्या है यू टू प्लस जी टू इंटू टी, तो यू टू कितना बेटा माइनस 50, और ये कितना है z इंटू टी, तो v2 बराबर माइनस 50 माइनस जी टी, तो v2 बराबर कितना माइनस 50 माइनस जी टी, और जी टी की वैल्यू कितनी निकाली है 50, तो क्या हो गया माइनस 550 माइनस 50 बराबर माइनस 100, क्या हो गया माइनस 100। ठीक है, बताओ क्या बेटा, नेगेटिव दिशा में है, नेगेटिव दिशा में है तो वो 100 होगा, क्या होगा 100 होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकाले हैं ना, तो वो क्या है इसकी जो नेगेटिव साइन है उसको छोड़ देंगे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली है ना, तो हमारी कितनी आई 100, तो वो डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, जो निगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है डायरेक्शन को बता रहा है, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जब मैंने कराया था उसी दिन पढ़ा दिया था कि वी ए बी बराबर माइनस 100 आ जाए या प्लस 100 आ जाए, आपको क्या करना है साइन कन्वेंशन हो सकता है उल्टा हो, यहाँ पे क्या रिलेटिव वेलोसिटी या टू विद रिस्पेक्ट टू वन का मैग्नीट्यूड कितना आया 100 आया, तो 100 इस पे लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, इसका शायद मैं कुछ और सोल्यूशन भी कराया मैंने पहले, याद है क्या पहले वाला, नहीं माइनस 100 तो सही है इसका, लेकिन कैलकुलेशन किसी टी टाइम पे, अच्छा किसी टी टाइम पे निकालो इसकी वेलोसिटी, वो सर क्वेश्चन अलग था, क्वेश्चन गलत लिख गया था, टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी, किसी टाइम टी पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, निकालिए सब लोग, किसी टाइम टी पे क्या होगी बेटा वी वन क्या होगा, वी वन बराबर होगा 50 माइनस जी टी, और वी टू क्या होगा माइनस 50 माइनस जी टी, तो वी टू वन क्या होगा वी टू माइनस वी वन, तो क्या हो जाएगा माइनस 50 माइनस जी टी माइनस 50 प्लस जी टी, ये भी कितना आ जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। देखो आ रहा है, ठीक है, तो शायद वो एक पार्ट स्किप हो गया होगा, एक पार्ट लिख गया होगा, तो किसी टाइम टी पे निकाल रहा हूं तो भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है बेटा, ये पिछली बार यही वाला कराया था ना, ये वाला हाँ उसी से निकाला था तुमने, लेकिन वो एग्जैक्ट सही नहीं है, वो किसी टाइम टी पे होगा, हो सकता है क्वेश्चन में या कहीं पे मिस हो गया हो, ये प्रोसेस समझ आया, ये वाला प्रोसेस, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नया थोड़ो ना है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो ही जाएगी, तो वहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अच्छा किसी पॉइंट टी पे निकालें तो क्या आ जाएगा, किसी पॉइंट टी पे भी निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, साइन वगैरह को लेके इतना कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब तुम बोलो कि 100 है और तुमने माइनस 100 निकाल दिया, अब कह रहे हो सर ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं, समझो उसको थोड़ा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखिए, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड, इसको बोल सकते हैं वी टू वन को, वी टू वन आया ना, वी टू वन बराबर 100 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे 100 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, एक्चुअल में ये ऑप्शन में होना चाहिए डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होना चाहिए अगर वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो, बट ठीक है कोई इशू नहीं है। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, अ पुलिसमैन चेज हिम ऑन अ जीप, अ पुलिसमैन चेज हिम ऑन अ जीप
मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए चोर भाग रहा है कितने स्पीड से, 9, भगा दें इसको, चलो भाई दौड़ो, देखो तेजी से दौड़ रहा है क्या, कितने से, 9 मीटर पर सेकेंड। और पुलिसमैन किसमें जा रहा है, 10, ये जीप में बैठ के भी 10 मीटर ही चला पा रहे हैं, देख रहे हो, जीप में बैठे हैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, और वो पैदल ही दौड़ रहा है 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा क्या पकड़ पाएगा, पकड़ लेगा 100%? अच्छा उल्टा कर दो, अब ये 9 से और वो 10 से जा रहा है, अब पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा, उसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड, तो पकड़ तो लेगा, ये पक्की बात है ना, समय लगेगा। अब लिखो, इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल, अच्छा मोटरसाइकिल से है, लिख दो, इफ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द जीप फ्रॉम द थीफ, ही लिख दो, फ्रॉम द थीफ इज 100 मीटर, इज 100 मीटर। ये वैसे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, क्वेश्चन में शुरुआत में नहीं लिखा गया था, ठीक है, इज 100 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, टू कैच द थीफ। क्वेश्चन इतना बड़ा है, सोल्यूशन एक सेकंड में आ जाएगा, बताओ कितना, कितना, कितना बताइए, बताइए कितना होगा, 100 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विथ रिस्पेक्ट टू थीप्स, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप्स, कितना है वेलोसिटी, 10 - 9 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। क्या रिलेटिव डिफरेंस दिया है, तो एस रिलेटिव बराबर V रिलेटिव इंटू टी, तो यस रिलेटिव कितना है 100 बराबर कितना 1 × t, तो t बराबर कितना 100 सेकेंड, t बराबर 100 सेकेंड, ठीक है हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए, शोन इन फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल P1 and P2, शोन इन फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल P1 and P2। Shown in figure are the velocity time graph of two particle P1 and P2। दो पार्टिकल है P1 और P2, उसका क्या है velocity time graph दिया हुआ है, ठीक है full stop। Which of the following statement is true about their relative velocity? Which of the following statement is true about their relative velocity? एक दिया हुआ है ये, और ये है आपका P1 और ये है P2,
ऑप्शन है जीरो, बी ऑप्शन है नॉन जीरो बट कॉन्स्टेंट। बताओ विष्णु कितना हो बेटा? कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बताइए क्या होगा? हाँ क्या क्वेश्चन में है? एक बार सब लोग पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए। शोन इन फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल एपी वन एंड पी टू। अच्छा किस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज्यादा, किसका ज्यादा? जीरो का एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? अरे सब भूल जाते हो, एक तरफ पढ़ते एक तरफ भूलते हो। ये हो गया x, ये हो गया y, इसका स्लोप क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स। लो ये हो गया q, ये हो गया p, इसका स्लोप क्या होता है? dp बाई डी क्यू। ये वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है? dv बाई डी टी। और होता क्या है वो? एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप निकालो, किसका स्लोप ज्यादा है? P1 का स्लोप ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? इतना पढ़ाया आप लोगों को, क्या हो गया? बोतल वाइब्रेशन होने लगी, याद आया भूल गए? बेटा ग्राफ का पूरा आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने, और टेस्ट भी है मंडे को, और तो रह नहीं हो। अच्छा वो पढ़ चुके वाला प्रोजेक्टाइल वाला टेस्ट है, पढ़ चुके ना, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे। अब बताओ कि dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन। याद आया कि नहीं याद आया? तो अगर dv बाई dt हमारा, dv बाई dt क्या है? ये हमारा है एक्सेलरेशन। जिसको नहीं पता हो जान ले, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो पता ही है, एक्सेलरेशन कब आएगा? जब चेंज इन वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन सा स्लोप ज्यादा, ये स्लोप ज्यादा कि ये स्लोप ज्यादा? ये वाला स्लोप ज्यादा। अगर ये स्लोप ज्यादा तो मैं इसको बोलता हूं ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, ए वन इज ग्रेटर देन ए टू। अच्छा यू बताओ, यू वन बराबर यू टू बराबर जीरो। बेटा टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। देखो कहां पे ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? जीरो से शुरू है। टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अगर मैं बोलता नहीं ये पी वन का ग्राफ है, ये अगर पी वन का ग्राफ होता और ये पांच होता, तो t बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी होती? पांच। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलता? पांच। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। साथ समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि अब हम वेलोसिटी निकाल दो लें फॉर पार्टिकल पी वन, फॉर पार्टिकल पी वन वी वन बराबर यू वन प्लस ए वन इंटू टी। क्या कह सकते हैं बताइए? कह सकते हैं। तो u1 कितना है बताओ? जीरो प्लस ए वन इंटू टी। ठीक है, अब फॉर पार्टिकल p2, फॉर पार्टिकल p2 v2 बराबर क्या? u2 प्लस a2 इंटू टी। बताओ जीरो प्लस a2 इंटू टी, ये v2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि v12 क्या होगा, v12 क्या होगा? Which of the following is true about the relative velocity, velocity of particle वन with respect to टू। ये क्या होगा? v1 minus v2। तो v1 कितना है बेटा? v12 कितना है? a1 into t। ये कितना है? a2 into t। बताओ ये हो गया ए वन माइनस ए टू इंटू टी। अच्छा ए वन में ए टू में से कौन सा बड़ा है? ए वन बड़ा, तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव रहेगा ना ये। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या, टी अगर बढ़ेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी?
बढ़ेगी, टी अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारा क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप बोल रहे थे डिक्रीजिंग होगा, कोई बोला था इंक्रीजिंग ही बोला था, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया, ये क्या है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ आप लोग का रिलेटिव वेलोसिटी समाप्त होता है, और दोबारा बता दें वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है बेटा, बताइए वीटी ग्राफ का स्लोप होता है डीवी बाई डीटी, और डीवी बाई डीटी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे देखा कि पी वन का स्लोप ज्यादा है, स्लोप निकालना जानती हो, जानती हो कि नहीं जानती हो, सही बताओ, पढ़ा है पता नहीं है, ये क्या होगा, ये और ये किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल खींचा और एंगल, कौन सा एंगल ज्यादा, ये एंगल ज्यादा कि एंगल ज्यादा, ये एंगल ज्यादा, वैसे हॉरिजॉन्टल से ही देख लो, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए वन ज्यादा। अब हमने देखा कि यू वन क्या, दोनों पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है। एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहां पे है, ओरिजिन पे ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, जीरो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वी बराबर यू प्लस एटी, वी बराबर यू प्लस एटी। अच्छा क्यों लगा है वी बराबर यू प्लस एटी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी फॉलो कर रही है, भी ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन मतलब वन डी मोशन है, अगर कर्व होता तो वी बराबर यू प्लस एटी लगा पाते, नहीं लगा पाते, तब नहीं लगा पाते, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस 80, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है। अब v बराबर u प्लस 80 लगाया तो v1 बराबर u1 प्लस a1 into t, u1 बराबर 0, तो ये क्या हो गया a1 into t, अरे क्या हो गया a1 into t, v2 बराबर u2 प्लस a2 into t, u2 बराबर क्या हो गया 0, a2 बराबर क्या a2 ही है, a2 बराबर a2, तो v2 बराबर a2, तो v12 बराबर v1 माइनस v2, ये क्या हो गया a1 into t, ये a2 into t, क्या हो गया ए वन माइनस ए टू इंटू टी। अब ए वन ए टू से बड़ा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी क्वांटिटी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलो बेटा थैंक यू, तुम लोग की रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गई, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी खत्म भी हो या नहीं भी हुई है, क्योंकि हर जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगी, हर जगह पे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ओवरऑल की ये होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बेसिक सवाल क्या है, बेसिक सवाल इससे कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला हो गया, फिर तुम्हारा लिफ्ट वाला हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद रेन प्रॉब्लम हो गई, ये सारे इसके कन्वेंशनल सवाल हैं। आप लोगों ने देखे होंगे ये रेन की प्रॉब्लम या रिवर बोट की प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट आगे हमारा पूरी काइनेमेटिक्स या कह सकते हैं पूरी फिजिक्स में रिलेटिव मोशन लगेगा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रिलेटिव मोशन का लगभग, ठीक है, तो आगे यूज होगा, तो वैसे ऐसे हम बताते रहेंगे। केवल एक चीज आपने समझी, एक ही चीज है, क्या है VAB बराबर VA माइनस VB, और उसके अगर तुमने अप्लाई कर रखा है तो तुमको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग VAB को लिख देते हैं VB माइनस VA, VAB बराबर क्या होगा VA माइनस VB, इसका मतलब क्या है, बात समझ लीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी कौन बोला, वेलोसिटी ऑफ ये क्या है बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कभी भी इसको VB माइनस VA मत लिखिएगा, ठीक है ना, जो कन्वेंशन हम लेके चले हैं उसी से हम चलेंगे, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे खत्म होती है।